भगवान भोलेनाथ का ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन मात्र से पूर्ण होती है समस्त मनोकामनाएं और मिलता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का एक साथ आशीर्वाद। भक्तों के हृदय को अपनी तरफ खींचने वाला एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कि बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त करता है, जिसका नाम है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और देवगढ़ ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। भगवान शिव जी का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्ति पीठों में से भी एक है, जहां माता सती जी का हृदय गिरा था, इसीलिए इस शक्ति पीठ को हार्द पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सभी मंदिरों में से प्रमुख स्थान प्राप्त करता है। सावन के महीने में जहां लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान बैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं, इस मंदिर में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवगढ़ पर स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहां भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। भारत में बैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। एक झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महाप्राकर्मी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव जी को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने चाहता था, ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की आराधना में बिता सके, परंतु वह इस काम में असमर्थ रहा और भगवान भोलेनाथ ने अपना बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक जगह पे स्थापित कर लिया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इससे जुड़ी खास बात ये है कि बैद्यनाथ मंदिर जिस जगह स्थित है उस स्थान को देवगढ़ कहा जाता है, अर्थात देवताओं का घर। देवगढ़ में बाबा भोलेनाथ का पवित्र एवं भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ पर हर साल सावन के महीने में मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए दर्शन को आते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी खास बात है इसका पंचशूल। इस प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों, शिवजी पार्वती जी के मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसका भेद कोई नहीं पा पाया। यह पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतार कर इसकी पूजा की जाती है और इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है। इस पूजा में शिवजी एवं पार्वती जी के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। तो ये थी भगवान भोलेनाथ के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बात। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था।
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हर हर महादेव।